के अंदर बैठते भी वो समय आधार और जाग उठा उनकी हिमायत करता है। कल के एक बयान में वो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो सब्सिडी है गंदुम पे, ये जहर से हम आवाम को निजात दिलाएंगे। यानी वो ये कह रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है वो जहर है, इसको खत्म किया जाएगा। हम अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहते हैं कि ये जहर ये अमीरों को खिला के हमने मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने इस खत्ते के साथ जुर्म किया हुआ है, यहाँ के गरीब आवाम के साथ जुर्म किया हुआ है। हम मदीन के अंदर ये जो तुल से इस तरफ एक छोटे सी सड़क है, यहाँ क्या इंसान नहीं रहते हैं? ये छोटे छोटे गाड़ियों में, छोटे छोटे बाइक पे लोग जब चलते हैं उसके अंदर गड़े बन गए हैं। हम अभी बात कर रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन ये बड़े बड़े आपके वोटों से जीत के जो यहाँ से चले गए हैं, ये इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में न उसमें जम्प है न वो गड़ों में जमते है, उनको मालूम नहीं है हल्के के अंदर क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, हम आवामी एक्शन कमेटी के इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हकों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए, यहाँ के मादनियात पे अपने हक के लिए, यहाँ की जमीनों पे अपने हक के लिए आप आगे आए।